क्या हो गया, क्या हो गया? ठीक है भैया, एक मिनट रुके ना, बात कर रहे हैं, देख ले रहे हैं क्या दिक्कत है। अच्छा ठीक है, हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम समझा रहे, पूछ रहे क्या गलती है, क्या क्या नहीं है, समझे? अरे भैया समझाइएगा। अच्छा कोई बात नहीं है, देखिए मान लीजिए मेरा गलती नहीं भी है, सॉरी बोलने से कोई छोटा थोड़ी हो जाता है। ठीक है भाई, अपने कुछ और राइडर्स भी मिल गए हैं जो कि भाई बिना हेलमेट वगैरह के, मतलब छोटे बच्चे लोग हैं यार, फुल ट्रिपल लोड में चार्ज अप हो गए भाई सभी लोग। आकाश भाई देख रहे हो यार उसको, ओ भाई भाई पटाखे पे पटाखे बजाए जा रहे हो यार। ओ मैन, अपनी लूसी की बहन मिल गई भाई, नहीं बहन नहीं थी, वारर थी। रिएक्शन भाई, वी आर द रेड लाइनर्स गाइस। आराम से भाई, दो दो पुलिस ऑफिसर्स हैं भाई, ये क्या ही बोलूं यार इसको। डर लग रहा है ना भाई, आगे पुलिस है सुमित, कम से कम समझो भाई, आगे पुलिस है तो पुलिस के सामने रेव मत करो। क्या हो गया? अच्छा ठीक है, एक मिनट रुके ना, अगर उसका गलती होगा भैया बोलेंगे। ठीक है भैया, एक मिनट रुके ना, बात कर रहे हैं, देख ले रहे हैं क्या दिक्कत है। अच्छा ठीक है, हम समझ रहे हैं, हम समझा रहे, पूछ रहे क्या गलती है, क्या नहीं है, समझे? अरे भैया समझाइएगा वैसन का, ये तो बाबू साहब। अच्छा ठीक है भाई, उतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं हो भैया, गलती नहीं रहेगा ना, ऐसे निकलना। अबे ठीक है, चुप रहो ना, हटो, चलो बाइक को बैठो। अरे रहने दिए ना, वो थोड़ा सा गर्म खून है, बच्चा है, नहीं समझ रहे, अभी उसका एज हुआ, रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, उसकी तरह से हम आपको सॉरी बोलते हैं भैया, ठीक है? यही चीज़ जो इसको बोलना चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं है, देखिए मान लीजिए मेरा गलती नहीं भी है, सॉरी बोलने से कोई छोटा थोड़ी हो जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, उसको हम समझाएंगे, क्या बोले अभी, रहने दिए ना, कोई बात नहीं है, सॉरी आंटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चलो ये निकलो, चलो आराम से भाई, भाई हैंडल करने सीखो, ऐसे लड़ाई झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है। पता है वो अचानक सर हम इधर कट मारे ना, अरे हम समझ रहे, चलो ना, बोले आगे चढ़ा रहा। अच्छा ठीक है, चलो अरे छोड़ो, भाई एक्चुअली क्या है ना कि उसका थोड़ा हेलमेट भी थोड़ा सा, मतलब हॉर्न्स वगैरह लगे हुए हैं ना, पता है इसका थोड़ा हेलमेट वगैरह देख के भी लोग, मतलब सब कोई बोलने लगा था, हेलमेट देख रहा है इसका, इसलिए कोई बात नहीं है, चलो ना आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सीन हो गया यार। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई चलो, अरे थोड़ा सा कटिंग वगैरह हो गया होगा, चलो
स्पीड में हो ही जाता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम बात करने वाले वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था, तो देखो यार वहाँ पे जैसे कि हम लोग सभी लोग जा रहे थे, तो आपको पता ही है कि उसके बाइक में एग्जॉस्ट लगा हुआ है RS 200 में, ऑस्टिन रेसिंग का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। तो उसके कारण क्या हुआ कि बाइक काफ़ी ज़्यादा लाउड थी, तो लोगों का रिएक्शन आपको मिल रहा था, मतलब हमें मिल रहा था। मैंने आपको दिखाया ही यार, मतलब वो वाले वीडियो में मतलब काफ़ी सारे लोग मतलब मुड़ मुड़ के पीछे देख रहे हैं, मैंने पॉज करके भी दिखाया। तो उस टाइम क्या हुआ कि जो बाइक वाले से रेज हो गया था यार, उनका फोटो मैं एक लगा रहा हूँ। ये देखो इस फोटो में आप लोग देखो, मैं नॉर्मली हम लोग एकदम साइड साइड से निकल रहे हैं, और उस टाइम ये वाला एक दूसरा फोटो देखो, इसमें क्या है कि वो मतलब रिएक्शन दे रहे थे जब हम लोग पास बाई कर रहे थे। तो वह जब हमने जब पास लिया तो वो रिएक्शन दे रहे थे, मतलब वो देख रहे थे हम लोग को एक तरफ ही। तो उस टाइम क्या हुआ कि जो R15 वाला है वो निकला होगा, तो उसके चक्कर में क्या है कि उनका थोड़ा माइंड डाइवर्ट होने के चक्कर में दोनों में मतलब आपस में थोड़ा सा ऐसा डिसबैलेंस वगैरह हुआ होगा, जो भी सीन हुआ होगा, तो उस चक्कर में ही थोड़ा सा सीन हो गया यार। देखो आप लोग सबको पता ही है यार, नॉर्मली इंडियन रोड्स पे गलती मतलब किसी एक की भी नहीं होती है हमेशा, क्योंकि यार देखो यहाँ पे रूल्स को कोई फॉलो नहीं करता। हम भी राइड कर रहे हैं तो पूरा रूल्स को हम भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, भले अपना सेफ्टी गियर्स हम लगा के रखे या नहीं लगा के रखे वो अलग चीज़ है, पर रूल्स को फॉलो कोई भी नहीं करता यार, अच्छा से प्रॉपर रूल्स कोई फॉलो नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको बताऊँगा यार, बस ये सब को ऐसा किसी को डिफेम करने के लिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, बस ऐसे नॉर्मली दिखा रहा हूँ कि यार किसी के साथ भी गलती हो सकती है, और ऐसा झूठ मूठ का लड़ झगड़े कोई फ़ायदा है नहीं। जो हो गया भाई वो हो ही गया, अगर बाई चांस हम लोग अगर स्पीड में निकल ही जाते तो फिर वो क्या ही झूठ मूठ का झगड़ा तो होता ही नहीं कहीं का। इसलिए फिर मैंने बोला कि रुक जाओ एक मिनट, बात बात कर लो, मैं बात सॉर्ट आउट करा के फिर मैंने जो भी रेस था उसको सब सॉर्ट आउट किया, फिर जाके हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।